चंडीगढ़ सेक्टर 10 होम साइंस कॉलेज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर डांस वॉरियर सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी उम्र के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संचालक प्रीति अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों ने भी डांस करके अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने बताया कि हम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि बच्चे आगे आकर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। सर, ये प्रोग्राम हमने किया डांस वॉरियर सीजन 2, इससे पहले हम डांस वॉरियर सीजन 1 कर चुके हैं और ये 26 जनवरी को हमने स्पेशल खास इसलिए रखा क्योंकि इस दिन रिपब्लिक डे था। और हमारे काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारी खास बात यही रही कि हमने नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चों को एक साथ एक मंच पर लेके आए, एक स्टेज पर लेके आए और उनका कम्पिटिशन करवाया, नॉट परफॉर्मेंस, उनका आपस में कम्पिटिशन करवाया और ये कम्पिटिशन बहुत ही अच्छा रहा और सब ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे डुइट हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे सोलो हो। और हमारे ऑर्गेनाइज़र अविनाश, ममता और मैं तीनों ने बहुत मेहनत की और ये आज देखने को भी मिला कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हमारे को एंकर भी थे साथ में, इन्होंने भी पूरा समा बांधा रखा। और बस सभी कितने बच्चों ने मैडम भाग लिया और कौन आपके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे? मुख्य अतिथि के रूप में 32 के डॉक्टर थे जो स्पेशल बच्चों मेंटली डिसेबल बच्चों के। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।